गाइस, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में एक ब्लैक स्नेक जेट बोट में खरीद के लेके आ चुका हूँ। शायद इस तरह की बोट आपने पहले कभी देखी होगी। दिखने में भाई देखो एक ब्लैक मांबा स्नेक जैसा होता है, वैसे ही ये दिखाई दे रही है। ऊपर से इसके ऊपर कार्बन फिनिश भी दी गई है। यहाँ पे ये इसके आईज जैसा डिजाइन इन लोगों ने बनाया है। अगर इसको हम लोग पानी पे चलाएंगे तो ये बिल्कुल एक ब्लैक स्नेक जैसी ही दिखाई देती है। और इसके अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। और सबसे खास चीज, सिंगल जेट पंप मोटर भी इसके अंदर लगाई गई है। और ये जो बोट है छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इसके मेन फीचर्स आप पढ़ सकते हो। सेल्फ राइडिंग फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। तो बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने लगभग 4000 रुपीस में खरीदा है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चाहे तो ये ब्लैक स्नेक बोट को खरीद भी सकते हो। तो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक पन्नी है, यहाँ पे एक पैकेट है। देखते हैं पैकेट के अंदर क्या दिया गया है। ये एक्चुअल में इसका स्टैंड है। ओके, तो और कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, सिर्फ इसका स्टैंड दिया गया है। ये इसकी यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड जरूर से पढ़नी चाहिए ये बोट को चलाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, मैंने कल एक इलेक्ट्रिक साइकिल की वीडियो डाली है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यार जरूर से जाकर देख लेना। बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही थी वो इलेक्ट्रिक साइकिल, उसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारी ब्लैक मांबा स्नेक बोट। अरे बापरे, क्या ही डिज़ाइन है भाई साहब इसका, देख रहे हो पूरी की पूरी ब्लैक है। और यहाँ पर बहुत सारा कार्बन फिनिश भी इसके ऊपर दिया गया है। एक्चुअल में ये इसके हेडलाइट है, तो आप इसको नाइट में भी चलाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। पीछे की तरफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका जेट पंप है। ये देख रहे हो सिंगल जेट पंप है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी प्रोपेलर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से इसको वाटर प्रोवाइड होता है, सर्वो की तरह भी काम करता है। यहाँ से हम लोग इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो पानी को यहाँ से खींच के पीछे की तरफ से फेंकता है, इस वजह से इसको एक पुश मिलने लगता है। तो अब इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें दी गई है। अच्छा, तो डबल हेड सिस्टम दिया गया है। देखो पानी जाने का तो इसके अंदर कोई भी चांस नहीं। फिर यहाँ से इस तरीके के लॉक्स भी दिए गए हैं। ये लॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे है इसकी वाटर कूलिंग मोटर। मोटर ज़्यादा हीट भी नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर देखो इस तरीके का पाइप लिपटा हुआ है और ये पाइप के अंदर से पानी रन होते ही रहता है ताकि इसकी मोटर कूल रह सके। यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट देखो बिल्कुल एक आरसी कार जैसा ही दिया गया है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। रिमोट की क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। ये इसकी 2000 mAh की 7.4 वोल्ट रिचार्जेबल बैटरी है। और इसके अंदर इसका चार्जर भी है। मेरे पास अल्फा रेव की शैडो स्टॉर्म बोर्ड भी है। यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। इसकी पैकिंग मेरे को ब्लैक स्नेक बोर्ड से भी काफ़ी बढ़िया लग रही है यार। ये ओपन कर लिया मैंने इसको। अब इसके ऊपर इस तरीके का फोम है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहीं पे ही हमारी बोट है। ये देखो गाइस, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे ही आप इसको पलटोगे ना पानी के ऊपर, ये अपने आप को खुद ही सीधा कर लेती है। इसका रिमोट भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। बहुत ही अलग रिमोट इसका भी मेरे को लग रहा है। बिल्कुल एक आरसी कार जैसा ही इसका भी रिमोट दिया गया है। दोस्तों, आज ब्लैक स्नेक जेट बोट के साथ फाइट कराने के लिए बहुत सारी बोट्स यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि ये भी एक जेट बोट है। रिसेंटली मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, तो आज इसकी भी रेस कराने वाले हैं ये ब्लैक स्नेक जेट बोट के साथ। इसने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, सभी को हरा दिया था रेस में, पुशबैक में और टगो फोर में भी। आज सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट FT009 बोर्ड भी मेरे पास आ चुकी है। इसका साइज़ देख सकते हो गाइस, कितना ज़्यादा बड़ा है। ब्लैक स्नेक बोर्ड तो यार इसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। साथ में मेरे पास RC सर्फर भी आ चुका है। ये सर्फर बोर्ड देखो गाइस कितना ज़्यादा बड़ा है। ये इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए देखो इस तरीके का सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। दोनों के बीच में भी रेस कराएंगे, टगो फोर कराएंगे, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। दोस्तों, सबसे पहले ब्लैक स्नेक जेट बोट को मैं चलाने वाला हूँ। यहाँ पे इसकी लाइट्स भी देखो काफी ज्यादा ब्राइट दी गई है। सामने की तरफ ब्लू लाइट है, पीछे की तरफ रेड लाइट दी गई है। इतनी ज्यादा रोशनी होने के बावजूद भी इसकी लाइट्स बहुत ज्यादा ब्राइट यहाँ पे दिख रही है। ये मैंने इसको पानी के ऊपर रख दिया है, अब चलाते हैं इसको। वो यार, यहाँ पे तो इसने फवारा बना दिया है पूरी तरीके से। एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डुबो चुका हूँ, आप देखो। Wow! मिलिट्री जेट बोट से भी यह पावरफुल मेरे को लग रही है गाइस। ये देखो गाइस कितनी दूर तक पानी को फेंक रही है ये। Wow! Oh my God! तो अब मैं इसको पानी के ऊपर चलाने वाला। Wow! यार कितनी ज्यादा तेज है ये। Oh my God! ये देखो गाइस। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, इसने डुबकी भी लगा दी है गाइस।
ये तो एक सबमरीन के जैसा चल रही है पानी के ऊपर। तो मैं नीचे से ही सीधा लॉन्च करने वाला हूँ। ये देखो, ओए पानी के अंदर जाकर वापस भी आ चुकी है यार। ये यार इतने छोटे से एरिया में देखो कितनी अच्छी तरीके से टर्न मार रही है। यहाँ पे तो इसने पूरी तरीके से व्हर्लपूल क्रिएट कर दिया है। अब इसको मैं बहुत ज्यादा स्पीड से चलाने वाला हूँ पानी के ऊपर, साथ में इसकी रेंज भी टेस्ट करते हैं। वो पत्थर तक देखो गाइस, मैं इसको चला चुका हूँ। यहाँ से टर्न करा के लेके आते हैं। यार ज्यादा दूर जाने पे इसको मैं सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज है। इसकी रेंज 60 मीटर से भी ज्यादा दूर तक दी गई है। यार ये बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा फास्ट है दोस्तों। अभी मेरे पास मिलिट्री जेट बोट भी है, इसके अंदर भी पीछे की तरफ सिंगल जेट है। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सबसे दूर तक पानी को फेंकता है। यार दोनों की मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल है और दोनों भी देखो उतनी ही दूर तक पानी को फेंक रहे हैं। बाकी दोनों में से देखते हैं कौन सबसे ज्यादा फास्ट है। भाई साहब देखो यार, वो काफी खतरनाक सी मोटर दी गई है दोनों के ही अंदर। दोस्तों अब रेस मैं कराने वाला हूँ मिलिट्री जेट बोट वर्सेस ब्लैक स्नेक जेट बोट के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। ये रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ओहो भाई, ब्लैक स्नेक जेट बोट बहुत ज्यादा फास्ट है इसके मुकाबले में। यहाँ पे ब्लैक स्नेक जेट बोट काफी आराम से रेस को जीत चुकी है। ओ अब ये आरसी सर्फर बोट को मैं चलाने वाला हूँ। एक बार इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा मजा आता है इसको चलाने में। वाओ देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से चल रहा है वो। अरे बाप रे, अभी मेरे पैर से टकरा था यार। अब मैं रेस कराने वाला हूँ इन दोनों के बीच में। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है और ये इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखते हैं पानी पे कौन जीतता। 1 2 3 ब्लैक स्नेक जेट बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी चल रही है और इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस से पीछे छोड़ दिया है सर्फर बोट को और ये काफी आराम से रेस को जीत चुकी है। मैंने सोचा था कि गाइस दोनों के बीच में टाई हो जाएगा पर यहाँ पे ब्लैक स्नेक बोट काफी इजिली जीत गई है रेस। मैं रेस कराने वाला हूँ ब्लैक स्नेक जेट बोट वर्सेस शैडो स्टॉर्म बोट के बीच में। ये बोट दिखने में थोड़ी सी छोटी है पर इसके पीछे देखो काफी बड़े साइज की मोटर लगी हुई है। दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। 2 3 स्टार्ट। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ब्लैक स्नेक जेट बोट का बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया था, फिर मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करके इसको सही तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। दोनों को यहाँ से टर्न करा चुका हूँ मैं। यहाँ पे भी ब्लैक स्नेक जेट बोट काफी इजिली रेस को जीत गई है यार। अब ये है रेसिंग बीस्ट आरसी बोट FT009। ये बहुत ज्यादा ताकतवर बोट है भाई। इसका साइज भी देखो कितना ज्यादा बड़ा है। ये देख रहे हो गाइस, ओह कितना ज्यादा पानी फेंकती है यार ये। वाओ देखते हैं गाइस क्या ये बोट इसको हरा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक इसने 4 बोट्स को हरा दिया है रेस में। 2 3 स्टार्ट। इस बार ब्लैक स्नेक जेट को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही है FT009 बोट। दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे पर FT009 बोट बहुत फटाफट तरीके से टर्न ले चुकी है। ओह माय गॉड, इसने तो एक राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब तक ब्लैक स्नेक जेट बोट यहां तक पहुंची भी नहीं है। क्लियरली यहां पे FT009 फर्स्ट राउंड में जीत गई थी। अब मैं आपको सेकंड राउंड भी करा के बताने वाला हूं। ब्लैक स्नेक जेट बोट थोड़ा सा आगे निकल गई थी पर देखो यहां पे दोनों के बीच में एक टक्कर भी हो गई थी, इस कारण ब्लैक स्नेक जेट बोट थोड़ा सा पलट भी गई थी। क्लियरली यहां पे वापस से FT009 बोट ने बाजी मार लिए और रेस में इसने 2-2 बार हरा दिया है ब्लैक स्नेक जेट बोट को। तो अब मेरे पास ये स्कैनिया का ट्रक है, तो गाइस यहाँ पे वेट पुल टेस्ट में करने वाला हूँ। देखते हैं ये स्कैनिया के ट्रक को अपनी ब्लैक जेट बोट खींच पाएगी या फिर नहीं। भाई इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट है मैं पहली बार कर रहा हूँ। पहले देखते हैं ये स्कैनिया का ट्रक पानी के ऊपर तैर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये काफी भारी भरकम ट्रक है। तो इसको मैंने धीरे से पानी के ऊपर रख दिया है। अरे बाप रे, ये तो तैर रहा है यार। एक काम करते हैं, ब्लैक जेट बोट को सबसे लास्ट में टेस्ट करेंगे, पहले ये मिलिट्री जेट को टेस्ट करते हैं। ओ यार ये तो पलटने लगी है। ओ भाई देखो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि ये अपनी स्कैनिया ट्रक को खींच सके। ये तो उलट पुलट हो रही है यार पूरी तरीके से। काम करते हैं इसको खोल देते हैं यार, मेरे को नहीं लगता इसके बस की बात है। अभी तक मैंने जितने भी बोट के साथ ये स्कैनिया ट्रक को खींचने की कोशिश की थी वो सही तरीके से खींच नहीं पा रहे थे, अब इसकी बारी है। वो धीरे धीरे करके खींच रही है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, पर अब इसकी पावर कम होने लगी है। पूरी कोशिश कर रही है बोट इसको खींचने के लिए पर बोट ज्यादा दूर तक इसको खींच नहीं पा रही है। ये स्कैनिया के ट्रक को अपनी ब्लैक जेट बोट खींच पाएगी या फिर नहीं। भाई
अरे बाप रे गाइस, ये तो स्कैनिया के ट्रक को भी पानी के ऊपर खसीट के लेके जा रही है। अरे बाप रे, यहाँ से मैं इसको टर्न करा के लेके आता हूँ, देखो यार कितना ज्यादा पानी फेंक रही है ये स्कैनिया के ट्रक के ऊपर। ओह माय गॉड यार, मेरे को नहीं लगता दूसरी बोट ये कारनामा कर पाएगी, क्योंकि देखो पानी के ऊपर रखने के बाद अब स्कैनिया ट्रक के अंदर पानी भरने लगा है। अरे बाप रे, काफी आराम से घसीट रही है यार ये तो। तो अब देखते हैं क्या FT-009 ये स्कैनिया ट्रक को पानी के ऊपर खींच पाएगी या फिर नहीं। स्टार्ट। FT-009 देखो एकदम लाजवाब सुपर पावरफुल है, इसने तो यार काफी आराम से इतनी भारी भरकम स्कैनिया ट्रक को भी खींच लिया है। तो गाइस ये चल तो रही है पर प्रॉपर तरीके से टर्न नहीं हो पा रही है यार, झाड़ियों में जाकर ये फंस गई है वहां पे। तो गाइस ये बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, ऑलमोस्ट आधी स्कैनिया ट्रक जो है पानी के अंदर डूब चुकी है, इतनी ज्यादा भारी भरकम ट्रक को भी है इस तरीके से घसीट के लेके आ रही है यहाँ पे। तो अब कराते हैं इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी जेट बोट सबसे ज्यादा पावरफुल है। दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब स्टार्ट करते हैं दोनों के बीच में लड़ाई। 1 2 3 स्टार्ट। गाइस ये ब्लैक स्नेक जेट बोट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, इसने तो मिलिट्री जेट बोट को पूरी तरीके से पानी के अंदर डुबो के रख दिया है। देखो गाइस कितनी ज्यादा स्पीड से ये इसको घसीट के लेके आ रही है। यार मेरे को लगा कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा क्योंकि दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम मोटर दी गई थी, पर क्लियरली यहाँ पे विनर है ब्लैक स्नेक जेट बोट। भाई देखो पानी के अंदर से डूबती हुई आ रही है और इसने हरा दिया है जेट बोट को। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये दोनों बोट्स में से कौन सी बोट सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। मेरी बात करूं तो गाइस मेरे को ये ब्लैक स्नेक जेट बोट काफी ज्यादा पावरफुल लगी। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है आतिफ, शिवा, नवीन, संदीप कर, आदित्य, अखिल, राधविक, वंश, निश्चय, अजय। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।